الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ فرما دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے اور گرہوں میں دم کرنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے یعنی شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ جنات میں سے ہو اور انسانوں میں سے ہو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے بھی بچنے کی دعا مانگنی ہے، حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی نعمت پر دل میں گھٹن پیدا ہونا، دل اندر سے جلن محسوس کرے، چاہے نعمت جس اعتبار سے بھی ہو، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، صحت اور تندرستی کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، اہل و عیال کے اعتبار سے، خاندانی معاشرتی خوشگوار زندگی کے اعتبار سے، غرض جو بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کسی کے پاس، اس کے اوپر یہ دل میں گھٹن محسوس کر رہا ہے. یہ پہلا درجہ حسد کا. دوسرا درجہ کہ یہ اس کو کیوں ملی، یہ نعمت اس کو کیوں ملی. گویا کہ اس درجے پر آ کر کے وہ
अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर, अल्लाह ताला के इल्म के ऊपर, अल्लाह ताला की हिकमत के ऊपर और अल्लाह ताला की तकदीर के ऊपर एतराज कर रहा है। अल्लाह की कुदरत है, जिसे चाहे वो दे, ये कहता है इसको क्यों मिली, वो अल्लाह की कुदरत पर एतराज कर रहा है। अल्लाह जानते हैं कि नेमत ये मैं इसको दे रहा हूं, इसके हक में ये बेहतर है, इसको ये नेमत दे रहा हूं उसके हक में बेहतर है, उसको वो नेमत दे रहा हूं उसके लिए वो बेहतर है, वो अल्लाह जानते हैं। और अल्लाह ताला की इसमें हिकमतें हैं, इसको तंदुरुस्ती की नेमत दी, अल्लाह की हिकमत है कि अगर इसको तंदुरुस्ती न दी जाए तो मुमकिन है कि बीमारियों में रहने की वजह से ईमान खो बैठे, मुमकिन है कि आमाल खो बैठे, मुमकिन है कि खुदकुशी कर ले। उसकी हिकमत है, वो जानता है कि यहाँ हमने तंदुरुस्ती दी है, तंदुरुस्ती नहीं देते तो ये सब शक्लें। इसको अल्लाह ताला ने माल दिया है, वो अल्लाह जानते हैं कि इसको माल देने में बेहतरी है, उसकी हिकमत है। ये कहता है इसको क्यों मिली, अल्लाह के इल्म पर और अल्लाह की हिकमत के ऊपर एतराज कर रहा है, गोया कि अल्लाह के इल्म से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। नऊज़ बिल्लाह। और अल्लाह की हिकमत से वो आगे बढ़ रहा है और तकदीर पर एतराज है। हमारा ईमान का एक जुज है कि जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से तकदीर है मेरे लिए खैर के कबील से है तो, दूसरी शक्ल है शर के कबील से है तो मेरा ईमान है। ईमान मुफस्सल में हम पढ़ते हैं कि तकदीर पर ईमान लाया, भली और बुरी जो कुछ भी हो अल्लाह की तरफ से है। अब ये चीज मेरे पास नहीं है तो गोया कि अल्लाह की तकदीर पर एतराज कि उसको क्यों मिली और मुझे क्यों नहीं मिली, ये दूसरा दर्जा बड़ा कठिन है। और तीसरा दर्जा हसद का कि अब उसके पास से ये नेमत खत्म हो जाए, उसकी चाहत और चाहत के बाद उसके असबाब इख्तियार करना कि तंदुरुस्ती खत्म हो जाए, अब उसके असबाब इख्तियार करे, उसका हुस्न खत्म हो जाए, जमाल गोटा खिला देवे कि जुलाब पर जुलाब, जुलाब पर जुलाब, और इसकी वजह से उसका सारा हुस्न खत्म हो जाए, उसकी इज्जत पर पानी फिर जाए, इसलिए जहां उसकी चाहत वाले हैं वहां जाकर के कि तुम जिसको अपना बनाते हो वो तो तुम्हारी काटता है, वो तो तुम्हारा खैरख्वाह नहीं है, वो तो तुम्हारा दुश्मन है, देखियो चौकन ना रहियो, भूल भुलैया में ना रहियो, उससे खत्म होने की चाहत और उसके असबाब कि किस तरीके से फकीर बन जाए, उसकी दुकान ठप पड़ जाए, ग्राहकों के पास जाकर के खींचने की कोशिश, ग्राहकों को पास जाकर के इसकी बुराई, ग्राहकों को फुसलाना, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो रहा है हमारे मुआशरे में। तो ये है हसद का तीसरा दर्जा।
घुटन पैदा हो, क्यों मिली ये जहन में ख्याल आए और फिर वो उससे खत्म हो जाए, चाहे मुझे मिले कि ना मिले, इसकी चाहत और चाहत के बाद उसके असबाब को इख्तियार करना, ये है हसद की हकीकत। इसके मुकाबले में एक और चीज आती है जिसको अरबी में गिबता कहा जाता है और उसको उर्दू में रश्क कहा जाता है। अभी सिर्फ कह देता हूं, इंशाअल्लाह आइंदा ये बात आएगी कि किसी की नेमत देख करके वो नेमत उसके पास बाकी रहे और वो नेमत मुझे भी मिल जाए, इसको कहते हैं रश्क करना कि अल्लाह ने उसको सेहत से नवाजा है, अल्लाह मुझे भी सेहत से नवाज दे, अल्लाह ने उसे हुस्न की दौलत से सरफराज किया है, अल्लाह मुझे भी हुस्न दे, अल्लाह ने उसे ओहदा दिया है, मुझे भी अल्लाह इज्जतें दे, ये है रश्क। इसके मुतालिक इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। हसद एक ऐसा मर्ज है, ऐसी बीमारी है कि शरीयत में, कुरान में, अहादीस में, अकाबिर उम्मत की निगाह में, और अगर एक कदम आगे बढ़ करके कहा जाए, जिसके पास अक्ले सलीम है मजहब से हट करके, कुरान और हदीस की तालीमात से हट करके, जिसके पास भी अक्ले सलीम है वो इसको अच्छा नहीं समझता, गोया कि इंसानियत भी हसद को अच्छा नहीं समझती। जिसके अंदर इंसानियत हो, मानवता हो, इसी को मैंने कहा अक्ले सलीम है, समझदारी है, तो इसको अच्छा नहीं समझता है। ये ऐसा खतरनाक मर्ज है जिससे बचना जरूरी है। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमान ने लिखा है, आसमान में सबसे पहला गुनाह हसद की बुनियाद पर हुआ। वहां अल्लाह की नेक मखलूक रहती है, वो मखलूक के जो अल्लाह की कभी भी नाफरमानी नहीं करती है, फरिश्ते, उनके बीच में एक वक्त था अज़ाज़ील इबलीस जिसे हम कहते हैं, वो भी रहता था, और अल्लाह ताला ने उसे नेमतों से नवाजा था, इल्म की दौलत से नवाजा था। उलमा ने लिखा है कि इबादत में भी बहुत बढ़ा हुआ था, अल्लाह की मारिफत भी उसके पास थी। हमारे हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इबादत का ऐन भी उसके पास था, इल्म का ऐन भी उसके पास था, इरफान यानी पहचान मारिफत का भी ऐन उसके पास था, लेकिन इश्क के ऐन से वो महरूम था, इसलिए वो गुमराह हुआ। अल्लाह के साथ ताल्लुक, इश्किया मोहब्बत भरा, इससे वो महरूम था। तो खैर, अल्लाह ने नवाजा था, फरिश्तों का मुअल्लिम बनने की सलाहियत थी, मुअल्लिम बना नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे आपने कि मुअल्लिमुल मलकूत था, यानी फरिश्तों का मुअल्लिम था, नहीं, फरिश्तों के मुअल्लिम बनने की सलाहियत थी, उसके पास इल्म था, अल्लाह ने बनाया नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक वक्त तक रखा, अल्लाह ने अपनी कुदरत से इल्म दिया
اور فرشتوں کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کی شرافت اور فضیلت کو واضح کرنا چاہا، علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے. علمی اعتبار سے حضرت آدم کی فضیلت کو واضح کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بھی وہ چیز رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی چیز رکھی. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کیچ اپ کر لیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں کے سامنے بھی وہ بات آئی لیکن وہ اس کو محفوظ نہ کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بتاؤ، انبئہم بأسمائہم. حضرت آدم علیہ السلام ساڑھ ساڑھ فٹافٹ فٹافٹ سب بتاتے گئے، یہ اس کا نام یہ ہے، اس کے یہ فوائد ہے، اس کی یہ خصوصیات ہے، اس کے یہ نقصانات ہیں، سب بتاتے گئے. اور فرشتوں کو کہا تو فرشتے عاجز رہے. اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کا علمی مقام واضح ہوا. عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی سجدہ کرو، جب ان کا مقام تمہارے سامنے علمی اعتبار سے واضح ہو گیا تو اب تم ان کی تعظیم بجا لاؤ. اللہ کے صاف حکم کے سامنے، چونکہ عزازیل ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور سب کو حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے سامنے اپنی عقل کو دخل دینے کا کوئی مقام نہیں تھا. اور آج بھی شریعت کا جب صاف حکم آ جائے پھر چاہے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، مول صاحب سمجھ میں نہیں آتا ہے، تھوڑا کچھ سکول لائف اور سکول سے بڑھ کر کے کالج کی لائف میں قدم رکھتا ہے نا، اور کالج میں بھی پھر جب تھوڑا کالج کا نشہ چڑھتا ہے، نشہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر کالج کا نشہ نہیں چڑھا ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر کالج کے بعد یونیورسٹی کا نشہ تو آ جائے نا، پھر تو آؤٹ آف کنٹرول، آپے سے باہر، یہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا میری مٹھی میں. اللہ صحیح سمجھ دے دے امت کو. مول صاحب آپ کہو تو بدی جو بات برابر پن سمجھ میں نہیں آتی، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے دلوں میں اتر جائے کہ شریعت کے صاف حکم کے سامنے ہماری عقلوں کا کوئی معیار نہیں ہے. ہماری عقلیں کیا حیثیت رکھتی ہے اللہ کے علم کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے، فقہاء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی زبردست فقاہت، اس کے سامنے ہم کیا حیثیت رکھتے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہمارا تو بس یہی کام ہے کہ جو ہمارے سامنے بات آ جائے، سمعنا واطعنا آمنا صدقنا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس مان لینا ہے. خیر اللہ تعالی نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے اپنی عقل، ابلیس نے، عزازیل اپنی عقل کو دخل دیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی کیوں سجدہ نہیں کیا آپ نے؟ کہا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اونچائی پر جانے والا، مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ اونچائی پر جاتی ہے، اور جس کو سجدہ کرنے کا آپ نے فرمایا وہ مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی نیچے جاتی ہے، اونچائی والا نیچے والے کے سامنے کیسے جھکے گا؟ یہ، اور یہ اس نے حسد کی بنیاد پر کیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اللہ نے بڑھایا یہ کہ میں علم میں آگے، میں عبادت میں آگے، میں معرفت میں آگے، اور پھر بھی یہ مٹی کا کھوکھلا جسم جس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اس نے یہ سمجھا. یہ حسد کی بنیاد پر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا،
ये सबसे पहला गुनाह आसमान में हसद की बुनियाद पर हुआ, और ये इल्म के ऊपर हसद की बुनियाद पर हुआ, अमल के ऊपर हसद की बुनियाद पर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्मी मकाम और अमली मकाम, शराफत और फजीलत, इसके ऊपर उसने हसद किया और सजदा करने से इनकार किया और हमेशा हमेशा के लिए जलील और रांदा हुआ, और कयामत तक के लिए उस पर लानत, और कयामत के बाद हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का मुस्तहिक। तो गोया के हसद की बुनियाद पर दुनिया भी उसकी नाकाम होती है। इंशाअल्लाह आइंदा मजीद आएगा, लेकिन इसका खुलासा कि जैसे इबलीस की दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब, हासिद जो हसद कर रहा है उसकी दुनिया भी खराब, दीन भी खराब, और दीन की बुनियाद पर मरने के बाद के सारे मराहिल भी खराब। जमीन में सबसे पहला गुनाह ये भी हसद की बुनियाद पर हुआ, और वो शहवत क्या, शहवत की वजह से हसद हुआ। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत की बुनियाद पर, और वो जानता है उसकी क्या हिकमतें हैं, हजरत आदम और दादी हव्वा अलैहिमस्सलाम को जमीन पर उतारा, और फिर चूंकि दुनिया को आबाद करना था और अल्लाह ताला के शरीयत, हर नबी की शरीयत उस जमाने के अहवाल के मुताबिक होती है, उस शरीयत में चूंकि दुनिया को आबाद करना था, दादी हव्वा को हर मर्तबा जब भी बच्चा पैदा होता था, जुड़वे बच्चे होते थे, ट्विंस, हर मर्तबा दादी हव्वा को जुड़वे बच्चे होते थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सिर्फ शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौके पर ये तन्हा पैदा हुए, चूंकि अल्लाह ताला ने उनका मकाम नबूवत से सरफराज करना था, इसलिए दिगर बच्चों में उनकी इम्तियाजी शान वाजह करने के लिए अकेले शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वरना हर मर्तबा जब भी दादी को बच्चा पैदा हुआ, जुड़वे हुए, और जुड़वे में एक बच्चा और एक बच्ची, एक लड़का और एक लड़की, इस तरीके से। चूंकि दुनिया को आबाद करना था और शादियों के बाद मियां बीवी और उसके जरिए जो दुनिया आबाद होती है, खलकुकुम मिन नफ्सि वाहिदा व खलक मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, तो शरीयत आदम में दस्तूर ये था अल्लाह ताला की तरफ से कि इस मौके पर जो बच्चा और बच्ची पैदा हुए वो हकीकी भाई बहन, और दूसरे मौके पर जो बच्चा और बच्ची पैदा हुए है तो हकीकी माँ बाप ये के हमारी शरीयत के एतबार से, लेकिन ये लड़का, इसकी शादी इस लड़की से होगी और इस लड़की की शादी इस लड़के से होगी, यानी एक बतन से जो बच्चा पैदा हुआ उसकी शादी दूसरे हमल से जो बच्ची पैदा हुई उससे, और पहले हमल से जो बच्ची पैदा हुई उसकी शादी दूसरे हमल से जो बच्चा पैदा हुआ उससे, ये तरीका था ताकि दुनिया आबाद हो। हुआ ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक मौके पर बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम काबिल रखा, और उसके साथ जो बच्ची पैदा हुई वो अल्लाह के दी हुई नेमतों में से हुस्न की नेमत से मालामाल थी। काबिल के साथ जो बच्ची पैदा हुई वो बड़ी खूबसूरत थी, और हाबिल दूसरी मर्तबा पैदा हुआ उसके साथ बच्ची, उस बच्चे लड़के का नाम हाबिल था, और उसके साथ जो बच्ची पैदा हुई कदरे खूबसूरती में कम थी, जिसको हम कहें घऊ वरना सांवला, बिल्कुल काला कलोटा नहीं, लेकिन एक है गोरा चट्टा और एक है घऊ वरना सांवला, इस तरह समझाने के लिए कह रहा हूं, वो दोनों ऐसे नहीं, ये खूबसूरती में बड़ी हुई थी, नहीं ये खूबसूरती में थोड़ी कम थी।
कानून के एतबार से काबिल का निकाह उस लड़की से होना था जो खूबसूरती में थोड़ी कम थी, और हाबिल का निकाह उस लड़की से होना था जो खूबसूरती में थोड़ी ज्यादा थी और काबिल की हकीकी बहन थी। कानून आदम, शरीयत आदम के मुताबिक इस तरह। लेकिन जैसे आजकल माहौल है कि सफेद के पीछे गांडे है, जहां सफेद देखा गए गांडे बन करके पीछे पड़ गए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि असातिज़ा अच्छे मिले। हमारे एक उस्ताद से मैं रांदेर पढ़ता था और बहुत चाहते थे अल्लाह वहां की खूबियों से उनको नवाजे, इंतकाल हो गया, बहुत मोहब्बत करते थे। अहमदाबाद ही के थे वो, रांदेर में। जब इस तरह की बात आती तो आहिस्ता से बच्चों को तरबियत के लिए कहते थे, बेटा सफेद तो गधा भी होता है। ये जुमला मुझे अच्छी तरह याद कि जब इस तरह की बात आती तो समझाने के लिए कहते कि सफेद तो गधा भी होता है, और गधे के पीछे कौन पड़ता है। और उस वक्त से मैं अपने बच्चों को भी कि कैरेक्टर देखना है, खूबसूरती सिर्फ नहीं देखनी है। और इस बाब में मैं अपने तलबा को नसीहत हमेशा करता हूं कि माँ बाप की बात जिद पकड़ते हैं ना कि ना मुझे तो याद करना है, नहीं तो सुसाइड कर लूंगा, नहीं तो करूंगा नहीं। माँ बाप परेशान है, आजकल के नौजवान तबके से माँ बाप बहुत परेशान है। वो समझा समझा करके थक जाते कि बेटा बेटा बेटा, दोस्तों से समझाने की कोशिश करते हैं, उसके सर्कल से समझाने की कोशिश करते हैं कि ना ताज करी, न करके लाता है, न फिर रोता है, न फिर पछताता है। ये मराहिल हैं, इसलिए कि माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोच सकते हैं। और दो तीन घंटों के साथी थोड़े हैं, रफीक़े हयात, पूरी जिंदगी भर की साथ के लिए कभी भी माँ बाप बुरा नहीं सोच सकते हैं। लेकिन बड़ों की बात न मान करके फिर अपनी जिद पर अड़ करके करते हैं, और फिर बापुओं के पास फिरते रहते हैं कि अब कुछ कर दो, शकर पढ़ दो, न गुड़ पढ़ दो, न तावीज दबाने का दो, न तावीज ये करने का दो, न फुला कर दो, कंट्रोल के बाहर है, न बहुत परेशान हो गया हूं मैं तो, क्या करूं। तो माँ बाप की ना माने तो ऐसा जो है ना, ये इसकी नहुसत है माँ बाप की न मानने की वजह से, सच कह रहा हूं। खैर, यहां पर भी इस जाबते के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाया, देख बेटा अल्लाह इससे राजी है। लेकिन काबिल न समझा, अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैं तो अपने साथ पैदा होने वाली बच्ची जो खूबसूरती में बढ़ी हुई है उसी से शादी करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दोनों को समझाया न समझे तो ये तरकीब बताई कि देखो दोनों कुर्बानी पेश करो अल्लाह की राह में, जिसकी कुर्बानी कबूल हो वो हक है और जिसकी कुर्बानी कबूल न हो ना हक पर है। उस जमाने में ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर हमारे लिए कुर्बानी का गोश्त भी हलाल है, खाओ खिलाओ और हालात मुनासिब हो तो जमा भी कर सकते हो। अब तो डीप फ्रीज आ गए, अक्के के अक्के डीप फ्रीज में चले जाते। अल्लाह उम्मत को सही समझ दे, अक्के के अक्के डीप फ्रीज में चले जाते हैं कि आबीन 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 छिछड़ा लो, फकीरों को जो खाने के काबिल ना हो वो सब दो। अल्लाह उम्मत को सही समझ दे। तो ये आप अलैहिस्सलाम की बरकत से कुर्बानी का गोश्त हमारे लिए हलाल हुआ है, वरना
ہم سے پہلی ساری شریعت میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کی چیز جانور وغیرہ جو بھی شہر کے باہر اونچے ٹیلے پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کے جانور کو اور مال کو جلا کر کے رکھ دے تو یہ قربانی قبول، اور اگر نہ جلائے تو یہ قربانی قبول نہیں، رسوائی بھی ہوئے کہ نہیں. ہم تو قبول ہوتی ہے کہ نہیں، اللہ سے امید ہے کہ قبول ہی ہوگی، لیکن رسوائی سے بھی تو محفوظ نا. اور وہاں تو بالکل رسوائی کہ قبول نہیں ہوئی. قابل کا چونکہ کام کاج کھیتی کا تھا، اس نے ساگ پات سبزی وغیرہ کچھ قربانی کے طور پر صدقے کے طور پر ٹیلے کے اوپر رکھا. حابیل کا مشغلہ تھا جانوروں کا، اس نے بہترین دمبا ٹیلے کے اوپر رکھا، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا کر کے رکھ دیا. گویا کہ حابیل کی قربانی قبول یہ حق پر ہے اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی یہ نا حق پر ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ بیٹا دیکھ اب تو بات واضح ہو گئی، سمجھ جا. لیکن نہیں سمجھا. اب چونکہ نہ رہے باس نہ بجے باسری، کہ حابیل ہے تو یہ مسئلہ، حابیل رہے گا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے حابیل کو قتل کر دیا. قرآن میں اللہ تعالی نے قصہ نقل کیا ہے، قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. خیر القصہ مختصر، اس کی رسوائی بھی ہوئی. مسلم شریف میں روایت، آپ علیہ السلام نے اس واقعے کو نقل کر کے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی دنیا میں ناحق قتل ہوں گے سب کا وبال قابل کو ہوگا. قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل دنیا میں ہوں گے، چونکہ اس نے قتل کی بنیاد ڈالی قابل نے، اور ناحق قتل کی بنیاد ڈالی، اس لیے قیامت تک کے ناحق قتل کا ذمہ دار قابل ہوگا اور ساروں کا وبال اس کے اوپر ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا. جو اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے بعد پھر جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر چلیں گے ان سب کا ثواب بھی ان کے ثواب میں سے کمی کیے بغیر اس کو ملے گا. وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَن عَمِلَ بِهَا مِن غَيْرِ أَن يُنْقَصَ مِن أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. جو کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا اس کا وبال تو اس پر ہوگا، لیکن اس کے بعد جتنے لوگ اس برے طریقے پر چلیں گے ان سب کا وبال بھی اس پر ہوگا، ان کے وبال میں سے کمی کیے بغیر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ گناہ قتل کا زمین پر سب سے پہلا ہوا، وہ بھی حسد کی بنیاد پر، حابیل کے ساتھ سگے بھائی کے ساتھ حسد، اور وہ حسد کیوں؟ شہوت کی بنیاد پر. زمین کا سب سے پہلا. اور چونکہ اس کی وجہ سے اگلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے والی جو قومیں تھیں ان قوموں کی جو بیماریاں تھیں، جن بیماریوں کی بنیاد پر وہ قومیں ہلاک کی گئی، وہ بیماریاں بھی تمہاری طرف سرک کر کے آ رہی ہے.
आप अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए दब इलैकुम, दब के माना जमीन पर सिरक करके चलना, जैसे सांप चलते हैं, जमीन के कीड़े मकोड़े चलते हैं, जिसके आहट महसूस नहीं होती है। सांप हम लोग चलते हैं, आहट महसूस होती है, जानवर चार पैर वाले चरिंदे, चार पैर वाले दरिंदे दौड़ते हैं करते आहट होती है, लेकिन सांप चलेगा तो, कीड़े मकोड़े चलेंगे तो आहट महसूस नहीं होती है। तो गैर महसूस तरीके पर ये बीमारियां तुम्हारी तरफ सिरक रही है, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। और वो बीमारियां हसद और बुग्ज है, अल हसदु वल बग्दो, हसद तुम्हारे अंदर आ रहा है, बुग्ज आ रहा है और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं कि मैं कहां हसद करता हूं, मैं कहां किसी से बुग्ज रखता हूं, मेरा तो दिल पाक है, साफ है। अल्लाह माफ फरमाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये चीजें तहलिकु, हलाक करने वाली है, सत्यानाश करने वाली है, लाकूल तहलिकु शाह वलाकिन अकूल तहलिकु दीन, मैं ये नहीं कहता कि बालों को मूंढने वाली है, दीन को मूंढने वाली है। जैसे उस्तरा लगाया जाता है तो उस्तरे की वजह से सारे बाल जड़ से, मशीन में तो थोड़े बहुत भी रहते, चाहे जीरो नंबर की मशीन हो लेकिन उसमें भी कुछ रुवाटियां रहती है न, उस्तरा में रुवाटी भी नहीं रहती है, बिल्कुल सफाचट। इसका नाम मैंने एक्सप्रेस हाईवे रखा है, बच्चों को कहता हूं कि एक्सप्रेस हाईवे के फिर नेशनल हाईवे, मशीन से कटवाना हो तो नेशनल हाईवे, ने हलक कराना हो, उस्तरा लगाना हो तो एक्सप्रेस हाईवे। तो ये तो खाली समझाने के लिए थोड़ा, तो जिसमें बिल्कुल हमवार हो जाता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीन को बिल्कुल लिया ये चीजें खत्म कर देती है। फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ला तदखुलुल जन्ना हत्ता तहाब्बू, जन्नत में तुम हरगिज दाखिल नहीं हो सकते जब तक के तुम आपस में मोहब्बत न करो। हसद होगा मोहब्बत नहीं होगी, बुग्ज होगा मोहब्बत नहीं होगी, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत किए बगैर तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत पैदा करने का बहुत आसान सा नुस्खा हमें बता दिया। मैंने कई मर्तबा कहा है कि बड़ी बड़ी चीजों के लिए छोटे छोटे नुस्खे, और ये माहिर का ही काम हो सकता है, माहिर का ही काम हो सकता है। बीमारी गंभीर हो लेकिन बस एक छोटी गोली, उसमें भी कहने का आधी लियो, ये 600 पावर की ये 10-10 गोलियां ने, 15-15 गोलियां ने, ये माहिर की अलामत नहीं है। माहिर की अलामत क्या, जहां एक डॉक्टर है वो 10 गोलियां देता नहीं, ये एक गोली में भी आधी लियो और वो भी जरूरत पड़े तो लियो। आसान नुस्खे वो बता रहा हूं, हर एक के बस की बात नहीं, जिसने बहुत तजर्बा किया हो, बहुत ज्यादा मेहनत की हो, तह में घुस करके उसने रीडिंग और तालीम हासिल की हो, वो जानता है कि ये दवा इसमें बहुत मुआसिर है और बहुत अच्छा असर करेगी, वो फौरन कह देगा कि ये दवा लिखो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अवला अदुल्लुकुम इदा फालतुम जालिक, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि जब तुम वो करने लगो, तहाबब तुम, आपस में तुम मोहब्बत करने लगो। और वो आसान नुस्खा है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है,
कोई पापड़ बेलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग सब के सब, मैं भी मोहताज हूं, गाफिल है। अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम का रिवाज दो। इसमें कौन से पापड़ बेलने के हैं और इसमें कौन से पैसा खर्च करने का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, कितना सस्ता सौदा है। इतना कहा तो 30 नेकी तो कम से कम आ गई, और अल्लाह ने अपने फजल वाले कानून के एतबार से अगर सवाब दिया, ये अदल वाला 30 नेकी अदल वाला कानून, और फजल वाला कानून अल्लाह का, मन जा बिल हसनति फलहू अशरु अम्सालिया, तो 30 को 10 में मल्टीप्लाई कर दो। अब दीन में हम 10 मर्तबा सलाम करें तो 300 को फिर 10 में मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 10 मर्तबा, हालांकि ज्यादा हो सकता है लेकिन सिर्फ 10 मर्तबा 3000 ने किया दीन की हो गई, महीने का लाख रुपए का पगार हो गया। 90,000 तो होगा ना, अब जिसकी 90,000 सैलरी हो हम उसको मालदार समझते हैं कि नहीं, कि 90,000 ने लाख रुपया पगार दे, और यहां इनकम टैक्स कोई नहीं कटेगा, वहां तो लाख रुपया पगार होगा तो कट करके आएगा, और यहां तो अल्लाह और मजीद देंगे, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। इस पर ये तो सिर्फ इससे भी ज्यादा अल्लाह जितना चाहे, तो ये कटौती करने वाले हैं, ये बढ़ोती करने वाले हैं, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं। अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम का रिवाज दो। जिसे भी देखो कि मुसलमान है सलाम कर लो, लेकिन सिर्फ सीटी नहीं बजानी, हां हुरूफ सफीरिया अदा नहीं करने हैं, और उटांग पटांग यहूदियों वाला भी सलाम नहीं करना, अस्सलाम वालेकुम, अरे कितना बिजी आदमी है, अस्सलाम वालेकुम, इसको सलाम भी इत्मीनान से करने की फुर्सत नहीं है, कि टाइम नहीं है। इत्मीनान वाला अस्सलाम वालेकुम गिन लो सेकंड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कितने सेकंड हुए। ये जब ये करेंगे आपस में मोहब्बतें बढ़ेगी, हसद और बुग्ज खत्म हो जाएगा। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से अपने आप को बचाओ। आज मुआशरे में बदगुमानियों का इतना ढेर है, इतना ढेर है कि अलमान वल हफीज, अलमान वल हफीज। इंसान तसव्वुराती दुनिया में, ख्याली पुलावों में बदगुमानियां कायम कर लेता है कि मैं गया ना, उसने सलाम नहीं किया ना, दाल में काला है तो हाँ काली मिर्ची डालते हैं ना, कोकम डालते हैं, इसमें क्या दाल में काला है। ये मुआशरे में है, अरे भाई वो किस हाल में है, उसने तुम्हारा सलाम सुना भी है कि नहीं सुना है, सलाम सुना भी है तो बैतुल खला में है या सलाम के जवाब देने के काबिल है नहीं है, उसे क्या मालूम कितने गुमूम और हुमूम है। आप अलैहिस्सलाम के हादसे इंतकाल दुनिया से पर्दा फरमाने के मौके पर हजरत उस्मान ने, हजरत उमर ने सलाम किया, उस्मान ने जवाब नहीं दिया, इतना गम था, बिल्कुल खामोश। हजरत उमर ने हजरत सिद्दीक अकबर से शिकायत की कि उस्मान ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, लेकिन कोई बदजन्नी कायम नहीं की हजरत उमर ने हजरत उस्मान से, शिकायत की अपने बड़ों से, वो भी इलाज के लिए, लेकिन कोई बदगुमानी कायम नहीं की। और हम हैं कि बदगुमानी, हम सामने से जा रहे थे ना, वो पीछे मुड़ गया, डाउटफुल केस,
अरे भाई उसको पेशाब लगा है, पाखाना लगा है, या बीवी का कॉल आ गया, घर में कोई हादसा हुआ है, ना मालूम। यानी हुस्ने जन की शक्लें निकालने के बजाय बदगुमानियों की शक्लें इतनी कसरत से, यानी जैसे पानी फूटता है ना, कसरत से पानी फूटता है उसके बहाव में, इसी तरह बदगुमानियों के बहाव इतने ज्यादा हैं कि हुस्ने जन के आने की कोई सबील ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं होता है। 100% मेरे से कुछ अदावत है, इसलिए वो मैं सामने जाता था ना, वो वापस चला गया। ये समझा रहा हूं, मुआशरे में हो रहा है, इसलिए ऐसी मिसालें दे करके समझा रहा हूं, बदगुमानियों से बचो। हमारे हजरत दामत बरकातुमुल आलिया, बहुत हम लोगों ने बहुत मर्तबा सुना कि हुस्ने जन कायम करना इबादत है और हुस्ने जन के लिए कोई दलील की जरूरत नहीं, हुस्ने जन के लिए कोई दलील की जरूरत नहीं। कि मस्जिद में मैंने नहीं देखा, मुमकिन है भाई हुस्ने जन दूसरी मस्जिद में अव्वले वक्त में पढ़ करके आ गया हो, मुमकिन है कि उसने कहीं और पढ़ ली हो, मस्जिद में नहीं था, नमाज नहीं पढ़ी। ये हुस्ने जन, और फरमाते हजरत दामत बरकातुम के बदजन्नी के लिए दलील की जरूरत है, बगैर दलील के, और दलील भी ठोस दलील, कि अगर उसको हमने मस्जिद में नहीं देखा। आज ही मैंने एक बुजुर्ग के, हमारे हजरत के अकवाल सलफ किताब है, उसमें मैंने एक बुजुर्ग का हाल पढ़ा। वो कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने मेरे सामने गुनाह किया हो और फिर वो किसी दीवार के पीछे चला जाए और फौरन मेरे पास आ जाए, तो मैं उसके बारे में उसके गुनहगार होने का यकीन करूं, ये मेरे लिए जायज नहीं। तो उसने दीवार के पीछे जाकर के तौबा कर लियो। ये हमारे बड़ों का हाल है। तो मस्जिद में नहीं था, अब उसने नमाज नहीं पढ़ी है, दलील लाओ तुम, बस तुमने गुमान कायम कर लिया। बदगुमानी के लिए दलील और ठोस दलील की जरूरत है, इसके बगैर बदगुमानी कायम करना जायज नहीं। अगर ठोस दलील के बगैर बदगुमानी की, यकीनन इन बाद जन्न इस्म, ये गुनाह है और गुनाह है कबीरा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने आप को बदगुमानियों से बचाओ। फइन जन्न अकज़बुल हदीस, सबसे बड़ी झूठी बात बदगुमानी है। कि उसने नमाज पढ़ी है और तुम उसके बारे में बदगुमानी करते हो कि नमाज नहीं पढ़ी, जमात के साथ पढ़ी है और तुम कहते हो कि 8 बजे तो घर में था। तो क्या हुआ 8 बजे घर में था, तो 7:22 को ईशा का वक्त हो जाता है, और मुमकिन है किसी जगह जल्दी हो और उसने जमात के साथ पढ़ ली हो, और मुमकिन हो हालात की बुनियाद पर उसने अपने घर में अपनी बीवी के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ ली हो। तुम क्या कैसे कहते हो कि उसने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, 8 बजे तो घर में था। फइन ज़न्न अकज़बुल हदीस, बड़ी झूठी बात बदगुमानी। और चूंकि फिर बदगुमानियों से इंसान टोह में लग जाता है, टोह तो समझते हैं ना, अब उसके उयूब को तलाश करने के पीछे लग जाता है, अब उसके पीछे पड़ जा रहा है, उसके अंदर क्या खराबियां है, उसके घर के पास जाकर के कान लगा करके सुने, वो फोन पर बात कर रहा है तो चाहे उधर मुंह होगा लेकिन कान इधर होंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला तहससु वला तजससु, जाहिरी उयूब को भी तलाश मत करो और बातिनी उयूब को भी मत तलाश करो, उसके अंदर दिल के एतबार से क्या खराबी है, उसकी प्राइवेट जिंदगी में क्या खराबियां हैं, उसको तलाश ना करो, और उसके अंदर जाहिर में क्या खराबियां है उसको भी तलाश मत करो। ये बदगुमानियों से उयूब के तलाश के पीछे पड़ जाता है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें क्या
इसके बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा, तुम उसके जिम्मेदार नहीं हो। हाँ जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, तरबियत के लिए अगर जुस्तजू कर रहा है वो अलग बात है। एक मदरसे के जिम्मेदार है, मोहतमी में, और वो किसी का खत आया और वो पढ़ रहा है तरबियत के लिए, बदगुमानी के लिए नहीं। हाँ मोहतमीम को भी बदगुमानी के लिए नहीं, तरबियत के लिए और अहवाल का जायजा लेने के लिए वो पढ़ सकता है, लेकिन यूं ही बदगुमानी के तौर पर नहीं। और चूंकि इन्हीं बदगुमानियों के नतीजे में फिर इंसान दुनिया में एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ने की कोशिश करता है कि उसके अंदर ये आयब, उसके अंदर ये आयब, उसके अंदर ये आयब, मेरे अंदर कोई आयब नहीं, मैं बहुत पाक साफ सुथरा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तनाफसु, आपस में दुनियावी उमूर में एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके निकलने की कोशिश न करो। वला तहासदु, बढ़ चढ़ने के नतीजे में हसद पैदा होगा, आप अलैहि सलाम ने फरमाया हसद न करो। और हसद होगा तो फिर आमना सामना नहीं होगा, आदमी पसंद नहीं करेगा, इसलिए फरमाया वला तदाबरू, एक दूसरे को पीठ ना दिखाओ। वकुनु इबादल्लाही इख्वाना, अल्लाह के बंदे भाई भाई होकर के रहो। जैसे एक भाई से मोहब्बत करता है, उन भाइयों के दरमियान में हसद, अब तो भाइयों के दरमियान में ज्यादा होता है और दोस्तों के दरमियान में कम होता है, ये भी कुर्ब कयामत की अलामत है। तिर्मिदी की रिवायत है कि करीब दूर हो जाएगा और दूर वाला करीब हो जाएगा। उसके वील नामे की दोस्त को पता होगा कि उसने क्या वील नामा, वसीयत नामा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, भाई भाई को पता नहीं होगा, दोस्त को पता होगा। आज हो रहा है, भाई को गंध तक भी, मैं जानबूझकर के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, चूंकि गंध तक भी नहीं आएगी कि उसने ये सौदा किया है, ये डील किया है, पता भी नहीं दोस्त को, कि दोस्त को तो कहना पड़े ना, कोई एक राजदार बना है तो भाई को बनाने ला, दोस्त को क्या वास्ते बनाता है। ये लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुआशरा हमें दिया है कि भाइयों में फितरी तौर पर, तबीई तौर पर, ये तो दुनिया की हिर्स हवा की वजह से ये सब मामलात पैदा हो रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत, लेकिन फितरी तौर पर, तबीई तौर पर भाई भाई में मोहब्बत होती है, हसद नहीं होता, बुग्ज नहीं होता, आपस में एक भाई दूसरे भाई के अयूब को तलाश नहीं करता, एक भाई दूसरे भाई के साथ बदगुमानियां नहीं करता है, कितना भी हो कि नहीं मेरा भाई है, वो उसकी बुराइयों को अच्छाइयों पर महमूल करेगा, अच्छी तावील करके, ये भूल हो गई होगी उससे, लेकिन वो ऐसा करे ऐसा नहीं है मेरा भाई। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बंदो भाई भाई हो जाओ और भाई भाई की तरह रहो। तो इसमें भी ये सारी जो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक के बाद दूसरे सब तरतीब से है कि इससे ये पैदा होगा, इससे ये पैदा होगा, इससे, आपने पूरी रिवायत में इसी मुआशरती खराबियों को बयान फरमाया, जिसमें हमारे मजमून के मुताल्लिक, सारा ही मजमून के मुताल्लिक है, लेकिन सराहतन हसद, वला तहासदु, आपस में हसद न करो, वरना हसद होगा तो क्या होगा, आमाल खत्म हो जाएंगे। एक तो वैसे भी हमारे नेक आमाल इंशाअल्लाह आइंदा चलेंगे, अल्लाह ताला हसद से हम सब की हिफाजत फरमाए, हासिद बनने से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, महसूद बनने से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन। सुभानअल्लाह व बिहमदिही, सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहमदिका, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك। مختصر कर लेते अभी 5 मिनट है तो।
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اے اللہ اپنے فضل سے پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ سیئات سے لغزشوں سے خطاؤں سے کبیرہ سے صغیرہ سے اے اللہ ساری چیزوں سے اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ آپ حلیم ہیں اے اللہ اے اللہ معاف کرنے والے ہیں معاف فرما دیجئے پوری امت کو معاف فرما اے اللہ پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما اور سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما اے اللہ امت کے احوال درست فرما امت کے پریشان حالوں کی اے اللہ پریشانیاں ختم فرما اے اللہ امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ امت کے مقروضین کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما اے اللہ امت کو حلال پاکیزہ برکت والا رزق نصیب فرما امت کو مشتبہ سے اور حرام سے محفوظ فرما اے اللہ امت کو مشتبہ سے اور حرام سے محفوظ فرما اے اللہ امت کو مشتبہ سے اور حرام سے محفوظ فرما جو امت کے افراد حرام میں مشغول ہیں اے اللہ ان کو حرام سے نکال کر حلال میں لگانے کے فیصلے فرما اے اللہ حرام سے نکال دیجئے حلال میں لگا دیجئے اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت کے غم زدوں کے غموں کو دور فرما اے اللہ امت کا ایک طبقہ جیلوں میں بند ہے نائبین رسول بھی جیلوں میں بند ہے بہت سارے وہ ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ظاہری طور پر سبب ہے اے اللہ بہت سارے وہ ہیں جن کے سہارے معصوم بچے ہیں اے اللہ بہت سارے وہ ہیں کہ آپ کی بندیوں کی عفت اور عصمت ان سے متعلق ہے اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بڑھے ماں باپ کی سفیدیوں کا واسطہ معصوم بچوں کی معصومیت کا واسطہ اے اللہ آپ کی بندیوں کی عفت اور عصمت کا واسطہ اے اللہ امت کی ان افراد کی عزت عافیت اور سہولت کے ساتھ رہائی کے فیصلے فرما اسباب مہیا فرما اسباب مہیا فرما اسباب مہیا فرما اے اللہ امت کی ظالم ہونے سے حفاظت فرما امت کی مظلوم ہونے سے حفاظت فرما اے اللہ امت کو حیا کا مجسمہ بنا امت کی بے حیائی سے عریانیت سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ نیک فالی لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھا اس مسجد کا نام مسجد ہدایت ہے اے اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو ان کی قیامت تک کی نسلوں کو اس بستی کو بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو سوسائٹی کی قیامت تک کی نسلوں کو
ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو عالم میں ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ حفاظت فرما, حفاظت فرما, دشمنوں کے مکروں کو ختم فرما. اے اللہ ناگہانی آفات سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے, وباؤں سے اے اللہ امت کی پوری پوری حفاظت فرما. آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے حفاظت کے فیصلے فرما. دشمن کے مکروں کو ختم فرما, دشمن کو مغلوب فرما, پسپا فرما, شکست فاش نصیب فرما. ہمارے ایمان اور اعمال کی پختگی کا اے اللہ ذریعہ بنا. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ ہم سب کو, ہم سب کے سب متعلقین کو, ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کی, ہم سب کے سب متعلقین کی, ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.